नमस्कार, स्वागत है आपका प्रादेशिक अंक में। मैं हूं अरविंदर सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। मुख्यमंत्री ने किया स्ट्रीट सुरक्षा मोबाइल स्त्री सुरक्षा ऐप का शुभारंभ। महिला सुरक्षा के लिए विशेष फोन सेवा 181 भी की गई शुरू। राजकीय वल्लभ कॉलेज मंडी में भारतीय वायुसेना की दिशा सेल दिल्ली ने अवेयरनेस ड्राइव का किया आयोजन। सोलन में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए एक विशेष प्लान किया गया तैयार। पंचायत समिति धर्मशाला के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने मंडल भाजपा धर्मशाला के खिलाफ खुला मोर्चा। रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। महिलाएं समाज की अभिन्न हिस्सा है और उनका आदर और सम्मान करना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है, जिसकी वे हकदार भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में सोलन में वन स्टॉप सेंटर खोला है। हिमाचल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टिगत महत्वपूर्ण पहल की है। अब विषम परिस्थितियों में महिलाएं मोबाइल ऐप से तुरंत पुलिस सहायता और अधिक सुलभता से प्राप्त कर सकेंगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा, चंबा, ऊना जिलाओं के लिए प्रदेश की अपनी तरह की पहली स्त्री सुरक्षा मोबाइल ऐप एवं विशेष फोन सुविधा का शुभारंभ किया। ये ऐप राज्य सूचना विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा तैयार की गई है। हिमाचल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण पहल की है। अब विषम परिस्थितियों में मोबाइल ऐप से महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता और अधिक सुलभता से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला सचिवालय से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। आपको बता दें कि स्ट्रीट सुरक्षा मोबाइल ऐप कांगड़ा की मंडलायुक्त नंदिता गुप्ता के दिमाग की उपज है और इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। ये ऐप एंड्रॉयड मोबाइल पर उपलब्ध होगा और गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस विशेष सेवा के बारे में जानकारी देते हुए मंडलायुक्त नंदिता गुप्ता ने बताया कि स्त्री सुरक्षा ऐप की खासियत इसकी तेजी और GPS के माध्यम से शिकायतकर्ता महिला की स्टीक लोकेशन प्राप्त करना है। इससे तुरंत सहायता करना संभव हो सकेगा। महिलाएं अपनी एंड्रॉयड फोन पर इस ऐप को प्ले स्टोर से निशुल्क डाउनलोड कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की विषम तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान महिलाओं को केवल एक बार सहायता बटन दबाना होगा। इसके जरिए शिकायतकर्ता और पुलिस कंट्रोल रूम चंद सेकंड में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फिर लोकेशन ट्रैक करके पुलिस सहायता कर पाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नंदिता गुप्ता ने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के उपरांत महिलाओं को उसमें अपनी 3 परिचित के मोबाइल नंबर फीड करने होंगे, जिन्हें बटन दबाते ही उनके खतरे में होने की हिंदी या अंग्रेजी में चुनी हुई भाषा में पूर्व में तैयार किया गया SMS मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उस जिला का पता भरना होगा जहां वे सामान्य तौर पर रहती हैं। बटन दबाते ही उस जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष में खतरे को लेकर SMS चला जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता की लोकेशन के अनुरूप नजदीकी पुलिस थाने को भेजा जाएगा। SMS में शिकायतकर्ता महिला की लोकेशन की सूचना भी होगी, जिससे गूगल मैप के जरिए ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा बटन के दबाते ही महिला के मोबाइल में स्वेता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आरंभ हो जाएगी, जो किसी संभावित घटना को टालने अथवा बाद में सबूत के तौर पर काम आ सकती है। नंदिता गुप्ता ने कहा कि जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे किसी प्रकार की विषम अथवा आपातकालीन स्थिति के दौरान तुरंत पुलिस सहायता कक्ष के लिए निशुल्क फोन नंबर 181 पर डायल कर सकती हैं। इस नंबर पर कॉल करने पर कॉलर ID और पुलिस नियंत्रण कक्ष में रखे लोकेशन ट्रैकिंग यंत्र की मदद से शिकायतकर्ता महिला की लोकेशन का पता लगाकर तुरंत मदद की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पुलिस थानों की जियो टैगिंग भी की जाएगी, जिससे स्वेता ही नजदीकी पुलिस थाने की टीम को महिलाओं के खतरे में होने के अलर्ट और लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह जी के कार्यक्रमों द्वारा
कांगड़ा डिवीजन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कम डायलिंग सर्विस जो वुमेन सेफ्टी के लिए एस्टैब्लिश की गई है, उसका नाम स्त्री सुरक्षा है, उसका उद्घाटन करवाया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन की विशेषता ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी स्त्री जो उसे अपने फोन पे डाउनलोड कर सकती है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी स्थिति के में यूज के लिए एंडिजाज किया गया है जहां पर महिलाएं बहुत ही ग्रेव डेंजर में हो, उन पे कोई बहुत ही ग्रेव अटैक हो रहा हो और उनके पास इतना समय ना हो या सिचुएशन ऐसी ना हो कि वो पुलिस कंट्रोल रूम में या किसी को फोन करके अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन बता पाए। इस मोबाइल ऐप के द्वारा केवल एक बटन दबाने से 4 SMS 4 विभिन्न फोन्स को जाएंगे, जिसमें से एक उनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम होगा जहां पर स्मार्टफोन्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और 3 जो SMS हैं वो उनके स्वयं के चोजन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे उनके सगे संबंधी हो, उनके मोबाइल्स पे जाएंगे। इस SMS में एक प्री फ्रेम्ड हेल्प मैसेज होगा, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो है कि इस SMS में एक URL लिंक होगा जिसको क्लिक करने से गूगल मैप्स खुल जाएगा और ये एकदम जो सेंडर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट हो जाएगी। तो पुलिस अथॉरिटीज हैं या जो लेडी के सगे संबंधी हैं वो बिना किसी फोन कॉल के, बिना बातचीत किए ये एग्जैक्टली पता करा सकते हैं कि जो लेडी है वो कहां से, जो डिस्ट्रेस सिग्नल जो है, डिस्ट्रेस मैसेज कहां से भेज रही हैं। पुलिस अथॉरिटीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ऐसा SMS आता है तो लोकेशन ट्रेस करके इमीडिएटली जो क्लोजेस्ट पुलिस थाना है उनको अलर्ट कर दिया जाए और वो इमीडिएटली स्पॉट पे कोई असिस्टेंस है वो डिस्पैच कर दी जाए। दूसरा महत्वपूर्ण इनोवेशन है कि इस SMS के साथ साथ ऑटोमेटिकली लेडी के मोबाइल फोन पे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई पोटेंशियल अटैकर है वो इस बात से डिटर हो सकता है कि जो भी उसकी गतिविधि है वो उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और लेटर स्टेज में ये इन्वेस्टिगेशन के लिए और एविडेंस के लिए भी काम आ सकता है। ये ऐप है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ताकि सभी जो वर्ग की महिलाएं हैं वो इसका आसानी से यूज कर सकें। तीसरी चीज जो हमने सोची कि जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं ये एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है तो वो ऐसी ही महिलाओं के द्वारा यूज किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कई सारी हमारी रूरल एरियाज की जो वुमेन हैं उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, ना ही वो इस चीज से फेमिलियर है, तो उनके लिए हमने एक विशेष डायल इन सेवा 181 वो इस्टैब्लिश करवाई है। इसका जो एडवांटेज है कि जो 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है उसमें हर तरह की कॉल्स आती है, लेकिन 181 एक्सक्लूसिवली वुमेन इमरजेंसीज के लिए रिलेटेड होगा और इसमें बहुत जल्दी से जो है वो तीव्रता से रिएक्शन हो सकता है पुलिस का क्योंकि वो बाकी इश्यूज के साथ, बाकी प्रॉब्लम के साथ मिक्सअप नहीं होगा। कोई मोबाइल फोन से 181 डायल करता है तो पुलिस कॉलर आईडी से और अपने बाकी जो लोकेशन ट्रेसिंग इक्विपमेंट है उसके द्वारा भी जो कॉलर है उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं और वही प्रोटोकॉल है इमीडिएट असिस्टेंस का वो फॉलो होगा। और इसका ये भी एडवांटेज है कि जो एक जो स्टेट लेवल 1019 हेल्पलाइन है उसका हेडक्वार्टर शिमला में बेस्ड है, लेकिन हमारा 181 है वो हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम के साथ कॉन्फिगर्ड है, तो इसलिए ज्यादा जल्दी से मैसेज आएगा और ज्यादा तीव्रता से जो असिस्टेंस है वो भी उस लेडी को पहुंचेगी। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोशन ज्वेलर्स गांधी चौक हमीरपुर, हॉलमार्क प्रमाणित सोने हीरे व चांदी की ज्वेलरी, अनमोल आप ही की तरह, मंगलसूत्र, सेट, चेन, टॉप्स, बालियां, चेन सेट, पेंडेंट सेट, अंगूठियां, कड़े, ब्रेसलेट, चूड़ियां और घड़ियां आकर्षक डिजाइनों में हर समय तैयार और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। अस्मि डायमंड ज्वेलरी फॉर द वुमेन ऑफ स्पिरिट और डी डमास द लीडिंग ज्वेलर्स ऑफ द वर्ल्ड की डायमंड ज्वेलरी भी रोशन ज्वेलर्स में उपलब्ध है। ग्रहों व राशियों के नग, नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक, मूंगा, मोती इत्यादि और सोने व चांदी की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। अपने आप को और अपनी दुल्हन के सौंदर्य को निखारने वाले आकर्षक गहनों के लिए आपका रोशन ज्वेलर्स में स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रोशन ज्वेलर्स, गांधी चौक, हमीरपुर। संजीव साड़ी हमीरपुर में सूट, साड़ी, लहंगा का अनूठा फिक्स प्राइस शोरूम, जहां खास आपके लिए हम लाए हैं मन भावन रंगों व डिजाइनों की साड़ियां। संजीव साड़ीज में आप पाएंगे फॉर्मल साड़ी से लेकर पार्टी वियर साड़ी तक की अनूठी रेंज।
फाइन एम्ब्रॉयडरी वर्क में उपलब्ध बेडिंग स्पेशल रेंज आपको चौंका देगी। संजीव साड़ी में स्कूल कॉलेज फेयरवेल पार्टीज के लिए विशेष रेंज की डिजाइनर साड़ियाँ भी हैं उपलब्ध। संजीव साड़ी के एक्सक्लूसिव लहंगा सेक्शन में उपलब्ध है अलग अलग रेंज और डिजाइनों के लहंगों का कपड़ा। ब्राइडल लहंगा ऑल्सो अवेलेबल। संजीव साड़ी के लेडीज सूट कलेक्शन में उपलब्ध है डिफरेंट फैब्रिक और लेटेस्ट ट्रेंड के सूट्स। शोरूम के जेंट सेक्शन में रेडीमेड कोट पैंट के साथ साथ कोट पैंट और पैंट शर्ट का कपड़ा भी है उपलब्ध। तो शादी विवाह और अन्य अवसरों पर कपड़े की जरूरत के लिए कहीं और ना पड़े जाना, क्योंकि संजीव साड़ी में है सूट साड़ी और लहंगा का अनूठा खजाना। संजीव साड़ी, दीप क्लोथ मार्केट, मेन बाजार, हमीरपुर। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिरडी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय एयरफोर्स के बारे में जानकारी मिल पाए और युवा आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में अपना कैरियर चुन सके, इसी के तहत मंडी के राजकीय वल्लभ कॉलेज में भारतीय वायुसेना के दिशा सेल दिल्ली के एयर क्वार्टर के सौजन्य से एक अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडी कॉलेज के NCC और अन्य निजी संस्थाओं के लगभग 600 युवाओं ने भाग लिया। प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय एयरफोर्स के बारे में जानकारी मिल पाए और युवा आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में अपना कैरियर चुन सकें, इसी के तहत मंडी के राजकीय वल्लभ कॉलेज में भारतीय वायुसेना के दिशा सेल दिल्ली के एयर क्वार्टर के सौजन्य से एक अवेयरनेस ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडी कॉलेज के NCC और अन्य निजी संस्थाओं के लगभग 600 युवाओं ने भाग लिया। आयोजित जागरूकता शिविर में भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर संगीता कठैत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और युवाओं को भारतीय वायुसेना में अपना कैरियर बनाने के लिए टिप्स भी दिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित युवाओं को भारतीय वायुसेना के विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही युवाओं के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए। साथ ही युवाओं से वायुसेना के संदर्भ में कई सवाल पूछे गए और सही जवाब देने वाले युवा को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वायुसेना की विंग कमांडर संगीता कठैत ने उपस्थित युवाओं को भारतीय वायुसेना के इतिहास के बारे में जानकारी दी और आज के समय में भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले जहाजों और हेलीकॉप्टरों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। संगीता ने बताया कि किस प्रकार से और किन किन विषयों के आधार पर वायुसेना में भर्ती हुआ जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम पंजाब और हिमाचल के युवाओं को भारतीय वायुसेना के बारे में जागरूक करने के लिए निकली है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में 3 अधिकारी व 8 एयरमैन हैं जो कि पंजाब में अवेयरनेस ड्राइव कर चुके हैं और अब हिमाचल में 3 दिन तक विभिन्न शिक्षा संस्थानों में जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे। आज का हमारा ये एयरफोर्स की तरफ से एक अवेयरनेस ड्राइव है, इसमें हम पूरा पंजाब स्टेट और हिमाचल प्रदेश स्टेट को कवर कर रहे हैं। पंजाब हम कवर करके आए हैं, 2.5 मंथ्स की हमारी टोटल ड्राइव है। इस पे हमारे साथ में एक IPEV बस भी है, इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल। आज हम उसको यहाँ नहीं ला पाए, बट वो आगे 2 दिन और हम मंडी में ही हैं
उस पे हम डीएवी कॉलेज और सिरदा कॉलेज में वो बस के साथ में अपनी अवेयरनेस ड्राइव करेंगे। मोटिव हमारा ये है कि हम इस क्षेत्र के बच्चों को जानकारी दें कि एयरफोर्स अगर आपने ज्वाइन करनी है तो किस किस तरीके से, किस किस एंट्रीज से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए, आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए कि आप इसमें ज्वाइन कर सकें। उसमें हम इनको और एयरफोर्स के बारे में जानकारी भी देते हैं कि हमारे क्या क्या ब्रांचेज हैं, हमारा क्या बेसिक रोल है। तो उनको बेसिकली हम स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि उनको ऐसे ना हो कि उनको ये ऑप्शन ही नहीं पता और वो इस चीज को मिस कर जाए। गौरतलब है कि इस प्रकार का अवेयरनेस ड्राइव मंडी कॉलेज में पहली बार आयोजित किया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना का इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हील जो कि एक बड़ी वॉल्वो बस है, कॉलेज में सड़क खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, जिस कारण युवाओं में थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली। वही मंडी कॉलेज के एनसीसी एयर विंग ऑफिसर डॉक्टर चमन सिंह ने बताया कि कॉलेज के बच्चों को बस देखने और उसमें बैठकर जहाज उड़ाने का अनुभव देने के लिए अन्य स्थान पर बच्चों को ले जाया जाएगा। मंडी में हाल ही में एक मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति की दाढ़ी जलाने का प्रयास कर कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी महिला विंग कल्याण बोर्ड राज्य की सदस्य सपना दुग्गल ने निष्पक्ष जांच की मांग पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से की। कांग्रेस पार्टी महिला विंग कल्याण बोर्ड की राज्य की सदस्य सपना दुग्गल ने हाल ही में एक मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति की दाढ़ी जलाने के प्रयास कुछ शरारती तत्व द्वारा किए जाने की निष्पक्ष जाँच पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से की है। सपना दुग्गल ने बताया कि उन्होंने नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करने पर वे पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग लेकर पहुंची हैं। दुग्गल ने बताया कि ये घटना 1 अक्टूबर की है, जब रात के समय एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ कुछ शरारती तत्वों द्वारा उसकी दाढ़ी जलाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने विरोध भी जाहिर किया था। सपना दुग्गल ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई, साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। 1 तारीख के दिन की बात है ये, जब मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो एक बाहर जो मेरे रूम के बाहर थोड़ी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मेरे को नॉक करने की आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक लेडीज बोल रही थी, दीदी दीदी बाहर निकलो, कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, किसी पागल को मारा जा रहा है। तो वो दिन से उसको तंग कर रहे थे, उसका बोलना था कि वो दिन से उसको तंग कर रहे थे, मैं दिन में वहां नहीं थी। तो शाम को ऐसे हुआ कि जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैं अपने रूम के बाहर देखती हूँ कि वो उस पागल को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था, संदीप शर्मा। फिर आगे आगे ले जाते वो ले गया ठेके के सामने उसको। जब ठेके के सामने लेके गए, वहां उसको बिठाया, एक दीनानाथ जी थे, एक लड़का और उनके वहां पंजाब से आया हुआ वो था, और एक संदीप शर्मा हो गए, 3-4 लोग थे वो वहाँ पे, एक ठेके के जो कर्मचारी होते हैं वो थे। तो उसके बाद ऐसे करते हैं वो कि उस बंदे को मारते हैं और लाइटर से सर उसकी दाढ़ी में आग लगाई जाती है। सोलन में ट्रैफिक जाम की समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है, जिसके चलते शहरवासियों को इस समस्या से हर दिन 2-4 होना पड़ता है। जिला पुलिस ट्रैफिक जाम की समस्या पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं पा रही है। अब जिला पुलिस ने इस समस्या को जड़ से हल करने के लिए एक विशेष प्लान योजना तैयार की है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। सोलन में ट्रैफिक जाम की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिसके चलते शहरवासियों को इस समस्या से हर दिन 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं जिला पुलिस ट्रैफिक जाम की समस्या पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अब जिला पुलिस इस समस्या को जड़ से हल करने के लिए एक विशेष योजना लेकर आई है, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए स्थानीय लोगों से भी सुझाव लिए गए और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, ताकि सभी के सहयोग से शहर की सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। अतिरिक्त जिला अधीक्षक ने बताया कि सप्ताह के अंत में पर्यटकों की सोलन में बेहद संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते शहर में ट्रैफिक बढ़ जाता है और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं 4-लेन निर्माण के चलते सड़कों पर भारी जाम देखने को मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस योजना बना रही है और शहर के जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां
जाम ज्यादा लगता है उन्हें चयनित किया जा रहा है और इस समस्या के बारे में अधिकारियों से चर्चा करके कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहरवासियों को लगने वाले जाम से निजात मिल सके। कार्यक्रम में वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए वक्त का नया अंदाज, मिलाइए जमाने से कदम ताल। फेस टू फेस ब्यूटी सैलून जो निखारे आपकी त्वचा को और दे आपकी खूबसूरती को नया मकाम। स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, पॉलिशिंग के साथ साथ बालों के लिए हेयर कट, हेयर स्पा, डीप कंडीशनिंग, रिमॉन्डिंग और स्मूदिंग की फैसिलिटी भी है उपलब्ध। दुल्हन के साथ सिंगार के लिए स्पेशल ब्राइडल ड्रेसेस और ज्वेलरी के अलावा एयर ब्रश, मेकअप तथा स्टूडियो मेकअप की दी जा रही है सुविधा। डिफरेंट प्री ब्राइडल एंड ब्राइडल पैकेज आर आल्सो अवेलेबल। आप लगे हर महफिल की जान, इसके लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ज्वेलरी का भी है इंतजाम। स्पेशल स्टूडेंट पैकेज आर आल्सो अवेलेबल। तो आज ही आए फेस टू फेस सैलून। हमारा पता है शॉप नंबर 2829, फर्स्ट फ्लोर, रोशन कॉम्प्लेक्स नियर गांधी चौक, हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816845204, 9816965204। SRK ट्रेडर्स हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट्स से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। SRK ट्रेडर्स, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, स्कूल बैग्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्कूल शूज, लैब कोट, फुल हाफ स्लीव्स, पुलओवर्स, ब्लेजर्स, जैकेट्स फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के गेम्स इक्विपमेंट्स और जिमनेजियम इक्विपमेंट्स। साथ ही SRK ट्रेडर्स में आप पा सकते हैं एनुअल फंक्शंस, फेयरवेल्स, सेमिनार्स, पार्टी, रिटायरमेंट और टूर्नामेंट्स के लिए हर तरह के मोमेंटोज और ट्रॉफीज। मोमेंटोज में आप पा सकते हैं एक्रिलिक, वुडन और ब्रास के मोमेंटोज। साथ ही आप पा सकते हैं मेडल्स और ट्रॉफीज। तो स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट्स से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ SRK ट्रेडर्स में ही आना। SRK ट्रेडर्स, फर्स्ट फ्लोर, KCC बैंक, लोअर बाजार ब्रांच, NCS कॉम्प्लेक्स, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। बच्चों के बुद्धि विकास में आज क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है एबकस। कंपटीशन है एबकस वर्सेस कैलकुलेटर। 34 15 minus 26 minus 12 minus 11 78 21 आंसर इज 52 minus 22 minus 55 23 minus 24 54 आंसर इज 74। सिंगल डिजिट 7 वैल्यू, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 7 2 minus 6 minus 3 3 minus 1 5 आंसर इज 7 राइट। 81 into 3 आंसर इज। कैलकुलेटर को कर दे फेल, एबकस के लिए बाएं हाथ का खेल। एबकस आपके बच्चों को बनाए सचमुच जीनियस। सपना आपका, मार्गदर्शन हमारा। मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुमारवी, जिला बिलासपुर। आपके बच्चों के सपनों को साकार करने का हम करते हैं वायदा। नर्सरी से लेकर प्लस टू तक के बच्चों को दी जाती है शिक्षा। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल में यूरो किड्स इंटरनेशनल माध्यम से दी जाती है खेल खेल में शिक्षा। अनुभवी एवं क्वालिफाइड शिक्षकों द्वारा किया जाता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा के बेहतर वातावरण के साथ खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का किया जाता है आयोजन।
बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए सब्जेक्ट लैब्स के साथ कंप्यूटर लैब्स को किया गया है तैयार। स्कूल में छात्रों की छात्रावास की सुविधा के साथ घर से आने और छोड़ने के लिए बस सुविधा भी है उपलब्ध। हम करवाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी। छात्रों ने बोर्ड तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यालय का नाम किया है रोशन। मिनर्वा स्टडी सर्कल में 9वीं, 10वीं, प्लस 1 व प्लस 2 की कक्षाओं के लिए फाउंडेशन कोर्स की भी करवाई जाती है तैयारी। फुल ईयर कोचिंग प्रोग्राम फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। स्टूडेंट्स गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन जेईई, नीट, AIPMT, एम्स एटसेट्रा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आए मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉरेल स्कूल सनावर के 117वें स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर तरनजीत सिंह संधु बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर परेड की सलामी भी ली गई और विद्यार्थियों द्वारा पेश की गई परेड की जमकर उन्होंने तारीफ भी की। लॉरेंस स्कूल सनावर के 117वें स्थापना दिवस पर काफी धूम देखने को मिली। इस मौके पर श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर तरनजीत सिंह सिद्धू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर परेड की सलामी ली और विद्यार्थियों द्वारा पेश की गई परेड की जमकर सराहना की। परेड में 1954 बैच के दो ओल्ड सीनियरों ने भी भाग लिया, जिनका सभी लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। तरनजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि वे सनावर के 1969 बैच के स्टूडेंट हैं। अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय बाद अपने रूट में पहुंचने का अवसर मिला है। उन्होंने अपने बैच के साथियों, अध्यापकों समेत सनावर के कर्मचारियों को याद किया। उन्होंने बताया कि नीलगिरी हाउस के वे स्टूडेंट थे। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर तरनजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि यंग एंड मॉडर्न इंडिया एनर्जी को स्किल में बदलना होगा, तभी भारत की इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ करेगी। तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था की कतार में खड़ा करने का जिम्मा युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी व लगन के साथ मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। चुनावों का समय पास आते ही राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो चुका है। तीसरे विकल्प के रूप में राजनीतिक दल उभरने लगे हैं और उनका मानना है कि भाजपा और कांग्रेस सोलन विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद को लेकर आ रही है। उनका आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस की आपसी समझौते और सोलन के सांसद विधायक दोनों ही रिश्तेदार हैं। वहीं अब जिस कैंडिडेट की भाजपा चर्चा कर रही है वो भी इन दोनों का रिश्तेदार है। सोलन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस की आपसी समझौते और सोलन से सांसद वीरेंद्र कश्यप, कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल दोनों ही रिश्तेदार हैं और अब वहीं जो भी कैंडिडेट भाजपा चर्चा में है वो भी इन दोनों का रिश्तेदार है। ऐसा लगता है कि सोलन में भाजपा या कांग्रेस नहीं, कोई परिवार राज कर रहा है। इसीलिए वे चाहते हैं कि सोलन की जनता कोई नया विकल्प देखे। लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि सोलन की जनता परिवारवाद से बाहर निकलना चाहती है। उन्होंने बताया कि केंद्र से लेकर जिला सोलन तक सत्ता की भूख परिवारवाद को जन्म दे चुकी है, लेकिन जनता काम और विकास चाहती है, इसलिए वे इस बार परिवारवाद नहीं चलने देगी और कर्मठ, ईमानदार और जुझारू उम्मीदवार को ही जिताएगी। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन दोनों राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं, इसलिए जिला के युवा बदलाव का मन बना चुके हैं।
पंचायत समिति धर्मशाला के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने मंडल भाजपा धर्मशाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान रविंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता ये कह कर रहे हैं कि धर्मशाला का विकास थम गया है, तो उनको अपने देखने का चश्मा बदलना चाहिए। चौधरी ने कहा कि शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा के नेतृत्व में धर्मशाला में पंचायतों का असली विकास हुआ है। पंचायत समिति धर्मशाला के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने मंडल भाजपा धर्मशाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रविंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता ये कहकर कि धर्मशाला में विकास थम गया है, तो उसे देखने के लिए वे अपना चश्मा बदल दें। चौधरी ने कहा कि शहरी विकास मंत्री एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में धर्मशाला की पंचायतों का असली विकास हुआ है। धर्मशाला की पंचायतों को वाईफाई सुविधा से लैस किया जा रहा है। ये ऐसी योजना है जिसके बारे में कभी भाजपाइयों ने सोचा तक नहीं था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने पंचायतों में जिम खोलने की योजना तैयार की है, जिसका सीधा लाभ युवा वर्ग को पहुंचेगा और युवा नशे की ग्रत में जाने की बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। रविंद्र चौधरी ने कहा कि धर्मशाला की 24 पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए पंचायतों के लोग सुधीर शर्मा को फिर से चुनने के पक्ष में हैं। रविंद्र चौधरी ने कहा कि पंचायत समितियों का बजट केंद्र ने बंद होने के बाद आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से बजट जारी किया है। हालांकि ये बजट कम है, लेकिन फिर भी पंचायत समिति सदस्य कुछ कार्य करवाने में सक्षम हुए हैं। सबसे पहले हमने ये आज की जो पत्रकारिता थी वो हमने की थी। हमारा जो हमें पंचायत समिति को बजट मिला था वो बजट हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो गया धर्मशाला ब्लॉक को, और हमने उसको आवंटित भी कर दिया अपने पंचायत समिति सदस्यों में। और इसके लिए हमने माननीय श्री शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी का थैंक्स, और इसी अनुसार मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी का धन्यवाद भी करने के लिए जी की थी। और साथ में जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्री सुधीर शर्मा जी, उनका जिन्हें हमारी जितनी भी पंचायतें में उनका इतना अच्छा वर्क हो रहा है, इतना काम हो रहा है सभी पंचायतों में, मतलब पानी के अच्छी व्यवस्था है, सड़कों के अच्छी टचिंग है, और जितने भी तो कितना पैसा अभी तक आपको मिला है पंचायत समिति को? सर 12.5 लाख। तो जो आपको वेतन दिया जाता है, क्या आप उस वेतन से खुश हैं? नहीं, वेतन से तो खुश नहीं है। इसके लिए हमने एक डिमांड रखी हुई है, उसके लिए भी वेतन को मानदेय बढ़ाने के लिए, और साथ में एक मेडिकल भत्ते के लिए भी हमने डिमांड रखी हुई है। तो हमने माननीय श्री सुधीर शर्मा जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन। वहीं रविंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा युवाओं को अपने साथ होने का स्वांग रच रही है। इसके लिए भाजपा ने हुंकार रैली तक का आयोजन किया, लेकिन इस रैली में युवा नहीं बल्कि टिकटार्थियों की भीड़ थी। ये रैली भाजपा के अंदर टिकट को लेकर चल रही खींचातानी को उजागर कर रही है। ये बात साफ हो गई है कि भाजपा नेताओं को युवाओं की नहीं बल्कि अपने टिकट की चिंता है। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने घर और ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आएं सदाशिव फर्नीचर हाउस कांगू और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। हमारे यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, तुन्नी, सागवान, जामुन आदि लकड़ियों से किए जाते हैं तैयार। आपकी सुविधा के लिए हम तैयार करते हैं जाली बेड, गमला बेड, मकड़ी बेड, डिब्बा बेड, चांद बेड, फुल बेड। आपके डाइनिंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए सागवान लकड़ी से तैयार किए जाते हैं कैप्सूल, सिप, WC टाइप के डाइनिंग सेट। ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर, स्टूल्स के साथ साथ पिलो, अलमीरा, गद्दे भी है हर रेंज में उपलब्ध। हमारे यहाँ सोफा एंड बेड, सेटी सोफा, 5 सीटर, 7 सीटर्स, मॉडल सोफा, कैप्सूल सोफा, स्टार सोफा इत्यादि अनुभवी कारीगरों द्वारा किए जाते हैं तैयार। अपने घर व ऑफिस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध है बेस्ट डिजाइन एंड क्वालिटी फर्नीचर, तो आए और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर। सदाशिव फर्नीचर हाउस नियर हॉस्पिटल कांगू, तहसील नदौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर।
Bimanshu Elevator and Escalator First Lift Showroom of North India in Hamirpur. आपके घर, ऑफिस, शोरूम या मॉल की जरूरत के अनुसार हम उपलब्ध करवाते हैं 15 विभिन्न मॉडलों की लिफ्टें। हमारे शोरूम में गूगल सर्च डिजाइन और कस्टमर की सुविधा अनुसार डिजाइनर लिफ्ट भी करवाई जाती है तैयार। अपनी लिफ्टों में हम दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फुली टच सिस्टम के साथ हर आधुनिक सुविधा घर द्वार पर। विमांशु के 18 इंजीनियर आपको देते हैं AMC के माध्यम से हर साल में 12 सर्विसेज। कंपनी के 24 आवर्स कॉल बैक सर्विस से लिफ्ट ब्रेक डाउन के 2 घंटे के अंदर दी जाती है सर्विस। हमारे टेक्निकल इंजीनियर सेवा के लिए मोबाइल पर हैं एक्टिव। अदर फीचर्स लाइक डायरेक्ट लैंडिंग जनरेटेड मोटर, ह्यूमन बॉडी सेंसर, ऑटो अटेंडेंट, कार्ड लॉकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम, टचलेस COP एंड LOP आल्सो अवेलेबल। तो आए विमांशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर और बनवाएं लिफ्ट, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। विमांशु एलिवेटर एंड एस्केलेटर नियर डिग्री कॉलेज अनु हमीरपुर। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर हमीरपुर। हमीरपुर में आपकी विश्वसनीय लेबोरेटरी जो 23 वर्षों से दे रही है बेहतर सेवाएं। सेंटर में उपलब्ध है लेटेस्ट और हाईटेक मशीनरी व उपकरण। सुप्रीम लेबोरेटरी में बायोपी, पैप्समियर, FNAC, हार्मोनल पैनल, थायराइड, HbA1c, PSA जैसे टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध। साथ ही रक्त कैंसर, गांठों, स्तन कैंसर, मांसपेशियों के कैंसर की टेस्ट सुविधा भी उपलब्ध। सुप्रीम लेबोरेटरी दे रहा है ECG, CBC, RFT, LFT, LIPID, प्रोफाइल कल्चरल एंड सेंसिटिविटी। सुप्रीम लेबोरेटरी में अनुभवी डॉक्टर अनुराधा शर्मा MD पैथोलॉजी व शिमला IGMC के अनुभवी इन्वेस्टिगेटर AN शर्मा की देखरेख में मरीज के हर टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है। 24 घंटे सर्विस उपलब्ध, रविवार को भी सेवाएं जारी। घर से भी टेस्ट लेकर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर नियर रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। कॉन्टैक्ट 01972223790, मोबाइल 9817162608। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर की दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस। हो बातें प्यार की, सोचो ना तो ट्वाइस। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। हो खुशियाँ अपनों की, बोलो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती। आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास ब्रिज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452111, 9816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर में पंचायत राज जिला भाजपा संयोजक जितेंद्र पठानी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नूरपुर के विधायक ने विकास को एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। पठानी ने कहा कि नूरपुर के विधायक को विकास की सही जानकारी नहीं है, उन्हें ये तक पता नहीं है कि विकास किसे कहते हैं। जितेंद्र पठानी के अनुसार आजादी के बाद एक ही मुद्दा था कि स्वच्छ पानी और हर घर में बिजली पहुंचे, लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।
पंचायती राज जिला भाजपा संयोजक जितेंद्र पठानिया ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नूरपुर के विधायक ने विकास को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। नूरपुर के विधायक को विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें ये तक पता नहीं है कि विकास किसे कहते हैं। विकास जब तक आम जनता तक नहीं पहुंचाया जाता, लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती, तो विकास कैसा है। जितेंद्र पठानिया ने कहा कि आजादी के बाद एक ही मुद्दा था कि सभी को स्वच्छ पानी मिले, हर घर में बिजली पहुंचे। 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक जहां पर बिजली और पानी की समस्या यूं की त्यों ही बनी हुई है। पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर समय कांग्रेस का राज रहा है और बीजेपी ने अगर 10 वर्ष बीच में राज किया तो उन्हें पानी की सुविधा लोगों को दी, बिजली का समाधान करवाया और सड़कों का काम किया। इन 5 सालों में कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं करवाया है और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजेड़ा पंचायत में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर था जो पिछले 50 वर्षों से था। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने उस ट्रांसफार्मर को वहां से उठा दिया है। अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ट्रांसफार्मर वहां लगाना जरूरी समझा। जितेंद्र पठानिया ने कहा कि भाजपा ने हर बूथ पर 2 स्ट्रीट लाइटें देने का फैसला किया है और जल्द ही स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ मिशन के तहत डस्टबिन लगवाए जा रहे हैं। पंचायत के हर बूथ पर हर गांव के अंदर स्ट्रीट लाइटें देने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया गया है। ये तो खाली एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा विकास, यहाँ तो मान साहब को यही नहीं पता कि विकास होता क्या है, यहाँ फिर वो झूठ बोल रहे। विकास की बात जब तक आप उसको अमली जामे तौर पर नहीं पहुंचाते, लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाते, विकास कैसे हुआ। आजादी के बाद एक ही मुद्दा था कि सभी को स्वच्छ पानी मिले और हर घर में बिजली पहुंचे। 70 साल बीत गए, अभी तक यहां पर बिजली और पानी की जो समस्या उसी से लोग जूझ रहे हैं। हिमाचल के अंदर मैक्सिमम राज जो है इन्होंने किया, 10 साल बीच में बीजेपी ने अगर राज किया तो बीजेपी वालों ने बीच में काफी पानी की सुविधा लोगों को दी, पानी पहुंचाया, बिजली सड़कों का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन पिछले 5 साल में कांग्रेस वालों ने कोई भी विकास का काम नहीं किया, यहां तक कि पानी की समस्या जो है लोग पीने के लिए तरस रहे हैं। हर आदमी के बस की बात नहीं कि वो पानी का टैंक मंगवाए, पानी का टैंक मंगवाने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था चाहिए। गरीब आदमी के पास 4 मटके हैं, वो कहां भरेगा उसको। तो इसलिए ना तो पानी है और ना बिजली है। मैं बात करूं अगर पंजाड़ा पंचायत की, 4.5 साल पहले जैसे ही सरकार बनी थी कांग्रेस की, यहां पर एक ट्रांसफार्मर था जो पिछले 50 साल से लगा हुआ था। महाजन साहब ने उस ट्रांसफार्मर को यहां से उठवा दिया। 4.5 साल बाद उस गलती का एहसास हुआ कि इसको यहां पर लगाना जरूरी है। अब पिछले 4 महीने से 2 ट्रांसफार्मर के जो पोल खड़े हैं, 2.5 महीने हो गए, अभी तक उनके ऊपर ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए। सुनने में आया है कि वो भी काम ठप हो गया है, जहां लगाने लगे थे वहां पर लोगों ने लगाने नहीं दिए। आज यहां पर लोग पानी के लिए बिजली के लिए तरस रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। बेरोजगारी की समस्या बहुत बुरी है, बच्चे जो हैं दर दर भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। इन्होंने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। तो विकास तो मेरे को दिखाई नहीं देता, गांव की सड़कें देख लो। तो ये था प्रादेशिक अंक, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।